अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सुनो जी, आज है हमारा हांगकांग में पहला रोज़ा माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। और आज है, क्या है आज की डेट है, आई थिंक 13 अप्रैल 2021। तो पहला रोज़ा है हमारा आज का। तो दिन में आपको पता है कि सुबह जब होती है तो आँख खुलती है तो बस सोच में पड़ जाता है इंसान के, बस इफ्तारी में क्या बनाना है। तो मैं ज़्यादा, क्योंकि मेरा ही सिर्फ रोज़ा होगा मेरे घर में, बच्चे छोटे हैं, हस्बैंड रख नहीं सकते, सो इस वजह से मैं अकेली हूँ। तो क्या करूँगी कि ये थोड़ी बहुत मेरे पास खजूर ली हैं, हर रोज़ जो है या फिर 2-3 दिन की जो है मैं डेट्स इस तरह करके मैं फ्रिज में रख दूँगी, डब्बे में डाल के बंद करके फिल करके। ये है क्रीम, व्हिपिंग क्रीम मैंने ली है, थोड़ी सी मेरे पास थी तो जो बॉक्स ओपन हुआ हुआ था वही मैंने इस्तेमाल की है, ठीक है, थोड़ी सी थी तो मैंने कहा शायद ये हो जाए, तो आई थिंक जब इसको व्हिप करूँगी तो ये इनफ होगी इसके लिए, ठीक है। तो अब ये ऑलरेडी ये इसमें शुगर होगी, अगर नहीं भी होगी तो इसमें डालने की शुगर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है डेट्स तो ऑलरेडी इतनी मीठी होती है तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है चीनी ऐड करने की। अब मैं इसको बीट करूँगी सिंपली, और बीट करके फिर मैं इसमें फिलिंग करूंगी, ठीक है। तो इसका टेस्ट बहुत मज़ा आता है। अगर हम पाकिस्तान में हो ना, मेरे हस्बैंड में और हमारे ही इन लॉज में ये ट्रेंड है कि वो जो दूध के ऊपर से मलाई उतरती है ना तो वो डाल के उसमें खाते हैं, और वाकई उसमें भी बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है। तो ये खजूर तो एक तो अफ्तारी में ये हमारे तो उस साइड में खाते नहीं है, 5-6-7 तो खाए जाते हैं मलाई के साथ लगा के या इसके अंदर फिलिंग करके। तो ये देखें, इसकी सीड मैंने निकाल दी है, साफ कर लिए हैं, और कुछ हार्ड हैं और कुछ सॉफ्ट हैं, लेकिन ये देखें बहुत मजे की हैं, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलें जी, ये देख लें, मेरा एक्चुअली कॉल आ गई थी सो मैंने ये फिर फिल कर लिया साथ साथ बातें करते हुए, और अब ये देखें हमारी डेट्स तैयार जी। तो अब क्या करेंगे हम, इसको फ्रिज में रखेंगे, और फ्रिज तो हमारी फुल हुई भी आ गई तो यहाँ पर रख देते हैं। ये देखें, पहले ये इतनी हाली थी, अब ये फुल हो चुकी है। अच्छा जी, तो अब करनी है नमाज की तैयारी। दूसरा ये है कि यहाँ पे बन रही हैं डोनट्स, आलू और चिकन के डोनट्स बनाऊंगी, तो वो भी आप देखेंगे कि किस तरह बनेंगे, बहुत ही मज़ेदार लजीज़ा बनते हैं। इसमें मैंने नमक डाला है, आलू हैं, 2 बोनलेस थाई की पीसेस हैं, और इसमें ज़ीरा डाला है, एंड दैट्स इट। ज़ीरा, नमक, आलू और चिकन, ठीक है। उसको बॉईल कर लेंगे, ज़ीरा डालने से बड़ी अच्छी सी स्मेल आ जाएगी, और बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद हम लोग इसको चिकन को रेशा रेशा कर लेंगे, आलू को मैश कर लेंगे, और फिर जो आगे मैं करूँगी वो आपको मैं ज़रूर दिखाऊँगी। ओके जी, तो अभी नमाज का टाइम है तो मिलते हैं नमाज। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये देखें डोनट्स जो मैं कह रही थी ना, कबाब, वो इस तरह के उनकी शेप होगी जैसे कि डोनट्स होते हैं। तो ये 2 तरीके से बनाई, एक ये हाथों से बनाया और एक ये तरीका मैंने देखा था, वो मैं ट्राई करूँगी। मुझे नहीं पता कि ये काम करेगा कि नहीं, बट लेट्स गिव इट अ ट्राई। सो ये जो मसाला मैंने बनाया है, जिसमें मैंने डाला है नमक, धड़पर मिर्च, कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च और धनिया, और इसके अलावा इसमें काली मिर्च है, ज़ीरा पाउडर है और धनिया पाउडर है। टोटल 7 चीज़ें, मसाले जो हैं इसमें डाले गए हैं, और सॉरी, एक इसमें ये मैंने चाट मसाला भी। तो उसके बाद इसमें जाएगा नींबू, जो कि मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं है, मैं मार्केट गई भी थी लेकिन मुझे याद नहीं रहा। तो इसमें आप लोग लेमन भी शामिल कर सकते हैं। टिक्की बना ले पहले, और अपनी मर्ज़ी है आपको कितनी इसको शेप देनी है, फिर इस तरह कि हाथ की उंगली की मदद से जो है हम रोल बना लेंगे, ठीक है, डोनट की वो जगह बना लेंगे। तो इस तरह ये खाने में भी बड़ी प्यारी लगती है और मज़ा आता है, ठीक है, थोड़ी डिफरेंस ही हो जाती है ना। सो लुक एट दिस, अब आपकी अपनी मर्ज़ी है कितना आपको, किस तरह आप उसकी शेप रखना चाहते हैं। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी और खाने में भी, सर्व करने में भी बड़ी प्यारी लगेंगी। सी, इस तरह से हम इसको रेडी कर लेंगे। तो ये वाली जो शेप है छोटी वाली सही है, परफेक्ट है, बड़ी बहुत ही बड़ी हो जाएगी। सो मैं सारी बना लेती हूँ, इनको फ्रीज़ करना है, फ्रिज में रखना है थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, तब तक मैं बाकी काम कर लूँगी, और फिर उसके बाद हम इसको जब फ्राई करेंगे तो अच्छी सी, ये हार्ड हुई हुई होंगी ना तो ये शेप अपनी बड़ी अच्छी होल्ड कर लेंगी, तो हमें कोटिंग में मसला नहीं होगा, ठीक है जी। मिलते हैं इनको जब हम फ्राई करेंगे तब जी। तो अब आ जाती है फ्रूट चाट की बारी। तो जो फ्रूट अवेलेबल था, कुछ मेरा फेवरेट जो फ्रूट है वो नहीं मिल सका, तो मे भी कुछ दिनों में वो भी आ जाए, तो फिर वो भी जो है इसमें ऐड करना हम शुरू हो जाएंगे। कैन फ्रूट है, मैंगो है, एप्पल है, पेयर है, पाइन एप्पल है, और बनाना है, ठीक है। इसमें ग्रेप्स थे और क्या था, अमरूद वगैरह आप लोग डाल सकते हैं अगर अवेलेबल हो, अनार डाल सकते हैं, अनार नहीं मिला तो ये कीवी वगैरह। तो कीवी की तरफ है वो, तो शायद यहाँ पर पार्क एंड शॉप में होगा लेकिन उस तरफ जाने नहीं हुआ।
सो जो फूड मिसिंग है वो नेक्स्ट टाइम, जो हैं फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं से अभी काम चलाते हैं। इसमें सारे फ्रूट्स काट के जिस तरह मर्जी, छोटे बड़े साइज में, जैसे भी आपको पसंद है, ठीक है। तो उसमें मैंने चाट मसाला डाला है और आधा जो है ये ऑरेंज मेरे पास था, कहाँ गया ये वाला, तो ये हाफ जो इसका क्या बोलते हैं जूस होता है लेमन, जो इसका ऑरेंज जूस, तो वो इसमें मैंने स्क्वीज़ किया है, तो वो भी काफ़ी मज़े का होता है। अच्छा, जो कैन फ्रूट जो मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा, उसकी जो सिरप थी वो मैंने इसमें शामिल नहीं की, ठीक है। सो इट्स अप टू यू, जिस तरह मर्जी आप इसको खाना बनाना चाहें। चाट मसाला कम मैंने डाला है, ज़रूरत पड़ेगी तो और डालेंगे, ठीक है जी। तो क्योंकि रोज़ा रखा हुआ होता है तो कोई मतलब पता नहीं होता कि क्या चीज़ ज़्यादा जा रही है क्या थोड़ी जा रही है, तो अंदाजे से कोशिश ये करें कि कम डालें, वरना सारी मेहनत फिर जाया जाती है, क्योंकि फिर बाद में आप लोग इसका कुछ कर नहीं सकते। तो वेस्ट मतलब रोज़ा रख के एक चीज़ आप तैयार करें और उसको फिर नमक या मिर्च ज़्यादा होने की वजह से आप उसको ज़ाया कर दें, तो कितना दुख होता है ना, सारा दिन मेहनत करते हैं जब आप। तो अच्छा जी, फ्रूट चाट भी हमारी रेडी हो गई है, तो नेक्स्ट देखते हैं कि अभी। अच्छा जी, तो अब बारी आती है, मैं बना रही हूँ वहाँ पर दही बड़े। क्विक प्लान बना है मेरा, तो मैंने सोचा कि चलो साथ वो भी बना लेती हूँ। मेरे पास दही पड़ा हुआ था तो वो उसकी डेट ख़त्म होने से पहले मैं उसको यूज़ कर लूँ, क्योंकि इन दिनों मैंने घर में नहीं लगाया, बट अभी इंशाल्लाह रमज़ान आ गया तो चले स्टार्ट करूँगी घर में भी। अब ओके, मैं यहाँ पे बना रही हूँ दही बड़े, तो इसमें बेसन लिया है मैंने, तो जाएगा ज़ीरा, कोई क्वांटिटी वो नहीं है आप ही साथ। चलें जी, ज़ीरा ऐड कर दिया है, इसमें शामिल कर देंगे हसबे ज़रूरत नमक, या आप लोग बना के भी रख सकते हैं सारे, अगर आज नहीं बनाने तो आप लोग इसको बना के स्टोर कर लें, पता नहीं अभी। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसमें जाएंगी चिली पाउडर, अपने हिसाब से डाल लें, लेकिन थोड़ा मज़ा करती हैं, तो मतलब कि हाफ से भी हाफ टीस्पून मैंने इसमें डाली है। मेरे पास है चाट मसाला, तो वो इसमें जाएगा, उससे बड़े मज़े का फ्लेवर बनता है। चाट मसाला थोड़ा सा है, नया पैकेट खोलना पड़ेगा। अच्छा जो है वो डाल दिया, अब यहाँ पर मेरे पास है बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो रेसिपी शायद मुझे लगता है लास्ट रमज़ान मैंने इसकी अपलोड की थी, तो चले आप लोग अगर देख रहे हैं तो रिपीट पे आपके लिए रेसिपी होगी। अच्छा, ये बेकिंग पाउडर मैं खोल लूँ। अच्छा जी, तो मेरे पास है बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा हाफ टी स्पून मे बी, ठीक है। तो ये रहा। अच्छा जी, अब ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चाट मसाला कम था तो वो मैं नया खोल के डालती हूँ, और उसी के साथ साथ जो है ओके जी। अच्छा जी, इसको मिक्स कर लेंगे, चाट मसाला मैं ऐड कर दूंगी, और अब जो है थोड़ा सा पानी शामिल करना है और अच्छी तरह से भरना है। नॉर्मल पानी है, कोई ठंडा गर्म ऐसे नहीं है, नॉर्मल पानी। अच्छा जी, तो यहाँ पे 4-5 मिनट हो चुके हैं अच्छी तरह से मुझे इसको फेंटते हुए, ठीक है। तो मैं हाथ से आपको बताती हूँ कि आप इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह होनी चाहिए। जो मैं बनाती हूँ जिस तरह मुझे आसान लगता है, तो वो मैं इस तरह रखती हूँ, यू कैन सी, ठीक है। ना ही ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा जो है वो घना है, ठीक है। सो लेट मी शो यू, अगर हम डालेंगे हाथ से डालेंगे तो ये देखिए, हाथ से डालेंगे, छोटे छोटे डालें या जिस तरह भी आप डालना चाहते हैं, ये देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगी, इस तरह से हम डालेंगे, होना भी इसी तरह चाहिए, ये देखें इसको थोड़ा टाइम लगा है ना गिरते हुए, देखें थोड़ा सा टाइम लगा है। अच्छा जी, तो ये हम साइड पे, ओके जी, अब हम इसको करने लगे हैं दही बड़ों को फ्राई। देखें बैटर मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया, तो पहले मैं एक डाल के देखूँगी, तो ये ऊपर आ गया है, ऑयल जो है टेम्परेचर ठीक है इसका, तो अभी मैं फ़ौरन फटाफट दूसरी डालती जाऊंगी। फ्लेम हम मीडियम रखते हैं, ठीक है जी, नॉर्मल जो फ्लेम होती है, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं करने, क्योंकि ये बाहर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आई विल ट्राई कि मैं थोड़े थोड़े ऐड करूँ, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हों, या फिर कोई बड़े ऐड कर लेती हूँ और कोई छोटे, जस्ट लाइक दैट। तो उसी के ऊपर हाथों की मदद से इस तरह डालने हैं, ठीक है। अच्छा, छोटे मैंने ट्राई किए, तो अभी इस साइज़ के जो है मैं, क्योंकि ये फूलते हैं ना, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है, तो साइज़ में थोड़े से बड़े भी हो जाएंगे, ठीक है जी।
देखें जी, मेरी जूसर मशीन आ चुकी है और मेरी जो पुरानी वाली थी वो एक्सपायर हो गई थी, वो ख़राब हो चुकी थी। उसका एक ख़राब तो नहीं हुई, उसका जो एक क्या कहते हैं वो, कुछ टूट गया था, कुछ हिस्सा उसका डैमेज हो गया था। सो ये वाली अब हस्बैंड लेके आए हैं। और इसकी प्राइस कितनी है ये तो पता नहीं, कह रहे हैं कि $400 की है, नो आइडिया। यहाँ पर लिखी होगी, बिल देखना पड़ेगा। ही सेड इट्स $400, नो आइडिया। मैंने कितने की लेके आई मशीन, कितने की है, कितने की, कितनी, 398। ओह वाओ, $400 ही हुआ, $2 हमारा प्यादर चलने का किराया। ठीक है जी, ओके, अब इसको खोलते हैं और जूस बनाते हैं। तो जी, डोनट्स को मैंने फ्रिज में रखा था, तो अभी काफ़ी ज़्यादा ही अपनी शेप इन्होंने होल्ड कर ली, हार्ड हो गए हैं। अंडे में फिर डिप किया, उसके बाद अभी ब्रेड क्रम्स लगा के यहाँ पे साइड पे रखते हैं। ठीक है, तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस तरह पकने से भी अपनी शेप इन्होंने काफ़ी अच्छी होल्ड की हुई है। पहले अंडे में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में। ठीक है जी, चलो। ये देखिए कितना मेस है। और ये बॉक्सेस जो मैं नेबर के घर सेंड करूँगी तो ये वो हैं। और ये देखें, ये फ्राई कर चुकी हूँ। क्या सर, ये हाउ गुड माई अफ्तारी लुक्स है ना। बस हो गई है, बिल्कुल बस हो गई है। ओके जी, तो किचन का जो हाल है, सफाई हो रही है, ये वॉश हुए मैं ये कर रही हूँ। ये देखें और आगे तो ये हुआ कि मैं जानमाज पे खड़ी हुई, दुपट्टा रखा ही नहीं, नमाज शुरू करने लगी थी। ओके जी, मत तुम्हारी भी रोज़ा खोल के जान ही रहे। मैं नहीं चाय पीऊँगी। ओके जी, तो किचन हमारा साफ़ हो गया सब कुछ, अब बोलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है, बिल्कुल हिम्मत नहीं है, सो सुपर टायर्ड। और यहाँ पे हम लोग रबिश वगैरह रखते हैं, ये कपड़े धो के हैंग किए हैं, और ये भी सारा डन हो गया, डन। और फ्रिज जो है हमारी, ये देखिए ओवरलोड हुई भी है, फुल हुई भी है, फुल। ये मैं बिल्कुल नहीं पीती। और चलें जी, दैट इज़ द एंड ऑफ द व्लॉग। और अभी व्लॉग का एंड करते हैं, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 8:30। ठीक है, 8:30 बज रहे हैं। तो अब क्या करना है कि अभी हमें तरावी की तैयारी करनी है, नमाज़ पढ़नी है, और आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह टुमारो। और आई होप आपको आज की हमारी, मेरी इफ्तारी की रूटीन अच्छी लगी होगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। इतनी मेहनत से बनाया, और इतनी मतलब मुश्किल होती है जब आप काम कर रहे हो स्पेशली, तो बड़ा टफ हो जाता है। तो प्लीज़ इस मेहनत को प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिएगा, और इस व्लॉग को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।